गिरिराज सर, ये क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे कुछ गलत लिखा है शायद। ये पेपर बोल रहा है LIC को अदानी के शेयर्स में ये साल 22,378 करोड़ का मुनाफा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? लास्ट ईयर जब हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, तब यही न्यूज़पेपर वालों ने LIC के खिलाफ इतना बढ़ बढ़ के बोलना शुरू किया कि LIC ने लोगों का पैसा अदानी में डुबा दिया, सरकार ने LIC को अदानी को बेच दिया, न जाने क्या क्या खबर हमारे तक पहुंच रही थी। और इसका असर LIC और LIC में काम करने वाले लोगों पे इतना पड़ा कि लोगों ने LIC के प्रति अविश्वास दिखाना शुरू कर। अब आज मैं वही पेपर में देख रहा हूँ कि LIC ने उसी अदानी के शेयर्स में 22,378 करोड़ का मुनाफा किया। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, ऐसे जो खबरें आती हैं, न जाने कितने बार लोगों के मन में ये लोग LIC के बारे में ऐसे गलत गलत धारणाएं पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन LIC कभी जवाब नहीं देता। वो सिर्फ जवाब देगा अपने रिजल्ट से। जिस तरीके से आज अदानी के शेयर्स में LIC ने 22,378 करोड़ का मुनाफा करके उनको करारा जवाब दिया है। 1956 से लेके आज तक ऐसी कौन सी संस्था है जिसने एक भी साल घाटा नहीं किया? ऐसी कौन सी संस्था है जिसने एक भी वर्ष किसी से पैसे नहीं लिए, किसी से लोन नहीं लिया? भारत में मेरे मान्यता से सिर्फ एक ही ऐसी संस्था है, LIC, LIC और LIC। LIC करो, जिम्मेदार बनो।